तो बच्चों हम लोग प्राइम नंबर ढूंढने का एक तरीका सीखेंगे, ठीक है। ये इसका नाम है सीव ऑफ इराटोस्थेनिस। इराटोस्थेनिस एक ग्रीक फिलोसोफर हैं, बहुत दिन पहले। मैं तुम लोगों को एक विकिपीडिया में लिंक भेज देंगे इराटोस्थेनिस के बारे में। तो उन्होंने एक तरीका ढूंढे थे कि कैसे, समझो कुछ नंबर्स दिया गया है, तो उस नंबर से कुछ नंबर्स पर एक के बाद एक दिया गया हुआ है, समझो 64 तक, समझो एग्जांपल 64 तक जो जो प्राइम नंबर है, कितना आसानी, कितना कैसा तरीका से हम लोग ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो सीव मतलब है जाली, इराटोस्थेनी से उनका नाम जाली, तो ये जाली जैसा दिख रहा है ना, तो इसके लिए इसका नाम है जाली। तो ये टेक्निक बहुत ही आसान है, सिंपल है। तो जैसे मैं एक स्क्वायर बनाया हूँ, तो इसमें एक को छोड़ के मैं हर एक नंबर लिखा हूँ 64 तक, और यहाँ पे 8 तक नंबर है, यहाँ पे भी 8 जगह है, तो 8 क्रॉस 8 मतलब 64 नंबर हैं एक के बाद एक। तो इसमें से मेरा तरीका होगा कि हम लोग कैसे प्राइम नंबर निकलते हैं। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है कि जो नंबर उसी नंबर से डिवाइड होता है किंग, और एक से डिवाइड होता है, जो नंबर दूसरा किसी नंबर से डिवाइड होता है वो प्राइम नहीं है। जैसे समझो 4 4 2 से डिवाइड होता है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये टेक्निक है कि पहले हम 2 से शुरू करेंगे। 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 सिर्फ उसी से डिवाइड होता है और एक से डिवाइड होता है। हाँ, एक तो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर एक से बड़ा होगा, ये है फर्स्ट क्राइटेरिया। तो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो एक को एक तो हम लोग ब्लैंक रखा हूँ। 2 2 से डिवाइड होता है और एक से डिवाइड होता है, और दूसरा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो 2 प्राइम नंबर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि 2 से जो जो नंबर इस जाली में डिवाइड होता है तो उसको हम लोग निकाल देंगे गेम से, ठीक है। 2 का टेबल क्या है, 2 2 गुना 2 4, तो 4 निकल गया। हाँ, तो ऐसे क्रॉस कर कर डाला मैंने, तो 4 निकल गया। तो ऐसे 6 6 निकलेगा, 8 निकलेगा, 16 निकलेगा। तो ये सब नंबर जैसे 4 12 20, ये कॉलम ये पूरा कैंसिल, ठीक है। हाँ, 6 का कॉलम 6 14 22, ये सब नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो हम लोग ये नंबर ये काट रहा, ठीक है। हाँ, तो ये सब नंबर निकल गया क्योंकि ये जो नंबर है समझो 4 12 6 8 16 24, ये कॉलम ये सब कर, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है, और 2 नहीं है, 4 2 से बड़ा है, 2 से डिवाइड होता है, 12 20 28 36। तो ये सब नंबर कट गया। तो अभी इससे अच्छा होता है, हाँ, तो ये नंबर सब आउट गेम से, ठीक है। तो क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से 64 भी डिवाइड होता है, 2 से ये 32 आता है डिवीजन करने से, 56 है यहाँ पे, 56 भी डिवाइड होता है, 28 आएगा, तो 2 से डिवाइड हो गया। तो अभी हमारा नेक्स्ट है 3 3, 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 3 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, 3 तो दूसरा बड़ा नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो 3 एक प्राइम नंबर है। तो अभी हम ढूंढ लेंगे कि 3 3 से कौन कौन नंबर डिवाइड होता है। तो देखो, 2 से हम जब डिवाइड कर रहे थे, 2 से गुणा कर रहे थे, समझो 2 का टेबल में 2 गुणा 2 4, 2 गुना 3 6, तो मतलब 2 से 3 ऑलरेडी हम निकल चुके थे, 2 इंटू 3, तो 2 गुना 3 और 3 गुना 2 1 है, ठीक है, दोनों ही से 6 है। तो 3 से हम जब पहाड़ा निकलेंगे, तो 3 का पहाड़ा में हम 2 का बाद से शुरू करेंगे कि
तीन तो दो से सिक्स है, सिक्स तो काटेगा ही, तो तीन तीन गुना तीन नौ, नौ काट गया, ठीक है। फिर तीन चारा बारह, बारह तो ऑलरेडी गेम का बाहर है। तीन पाँच पंद्रह, पंद्रह निकल गया, ठीक है। तीन छः अठारह, अठारह तो पहले ही निकल चुका था। तीन सात ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन भी निकल गया, ठीक है, ये भी बाद हो गया, ठीक है। थ्री एट ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर बाहर। तीन नौ ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन गेम का बाहर है, ठीक है। तीन दस तीन थर्टी, थर्टी तो गेम का बाहर है। तीन ग्यारह थर्टी थ्री, ये इसको हम लोग काट रहे हो, थर्टी थ्री प्राइम नंबर नहीं है, जो बचेगा काटने का बाद वो होगा प्राइम नंबर, ठीक है। तीन बारह थर्टी सिक्स, ये तो पहले ही गेम का बाहर था, ठीक है। थर्टी नाइन भी तीन से डिवाइड होता है, थ्री थ्री गुना थर्टी थ्री, थ्री इंटू थर्टीन इक्वल टू थर्टी नाइन, ठीक है। फिर आएगा तीन चौदह बयालीस, बयालीस तो पहले ही, फोर्टी टू, फोर्टी टू पहले ही हम लोग काट के रखा हूँ क्योंकि ये दो से डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तीन पंद्रह फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव हम काट दिया, ठीक है। तीन सोलह अड़चालीस, फोर्टी एट, ठीक है, फोर्टी एट काटा है। तीन सत्रह फिफ्टी वन, फिफ्टी वन निकल गया गेम से बाहर क्योंकि फिफ्टी वन तीन के तीन से डिवाइड होता है, ठीक है। तीन अठारह, थ्री इंटू एट्टीन फिफ्टी फोर, फिफ्टी फोर तो पहले ही निकल गया चुका क्योंकि ये दो से डिवाइड हो रहा था, ठीक है। थ्री इंटू नाइनटीन फिफ्टी सेवन, फिफ्टी सेवन तो फिफ्टी सेवन गेम का बाहर है। थ्री इंटू ट्वेंटी सिक्सटी, ये तो पहले ही निकल गया था, ठीक है। थ्री इंटू ट्वेंटी वन सिक्सटी थ्री, ये भी गेम का बाहर। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट वो नंबर ढूंढेंगे जो गेम के अंदर है। तीन के बाद जैसे चार है, लेकिन चार हम लोग पहले ही काट चुका हूँ क्योंकि चार दो से डिवाइड हो गया था, तो चार तो प्राइम नंबर नहीं बन सकते। और देखो चार का पहाड़ा हम क्यों नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि चार से जो नंबर काटेगा वो समझो सोलह है, ये सब नंबर हम पहले ही, जो जो नंबर चार से काटेगा वो नंबर तो दो से काटेगा क्योंकि चार क्या है, चार तो दो से निकल गया, टू इंटू टू फोर, तो जो नंबर चार से कटेगा समझो फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, तो वो नंबर देखो फोर दो से बनता है, दो गुना दो, तो वो नंबर दो से ऑलरेडी कट गया है, तो इसलिए हम चार, चार से कौन कौन नंबर डिवाइड होता है वो नहीं ढूंढेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी दो से काट चुका है, तो चार का पहाड़ा हम नहीं ढूंढेंगे, तो चार बाहर है। तो इसके बाद हम वो नंबर ढूंढेंगे जो अभी हम अब तक नहीं काटा हो, पाँच। तो देखो पाँच तीन से डिवाइड नहीं होता है, दो से डिवाइड नहीं होता है, एक से डिवाइड होता है और सिर्फ पाँच से डिवाइड होता है, तो पाँच एक प्राइम नंबर। तो हमारा अब तक तीन प्राइम नंबर हमारा हाथ में चला आया, टू थ्री फाइव, ठीक है। तो अभी हम ढूंढेंगे कि पाँच से कौन कौन नंबर काटता है, मतलब डिवाइड जाता है। पाँच देखो दो का पहाड़ा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, ठीक है। दो चार आठ, टू इंटू फोर एट, टू इंटू फाइव इक्वल टू टेन, टू इंटू फाइव इक्वल टू फाइव इंटू टू, तो पाँच का पहाड़ा में हमको फाइव इंटू टू भी नहीं जाना पड़ेगा, फाइव इंटू थ्री भी नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि तीन का पहाड़ा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ और काट चुका हूँ, क्योंकि थ्री इंटू फाइव पंद्रह, तो फाइव इंटू थ्री पंद्रह, तो सेम। चार का पहाड़ा फाइव इंटू फोर भी पंद्रह नहीं है क्योंकि फोर का तो हम लोग फोर में जो जो जाता है वो भी काट चुका हूँ, तो हम शुरू करेंगे फाइव इंटू फाइव। फाइव इंटू फोर ट्वेंटी है, ट्वेंटी ऐसे ही काटा है क्योंकि वो दो से डिवाइड होता है, तो फाइव का जब हम काउंट करेंगे फाइव इंटू फाइव से शुरू होगा, फाइव इंटू फाइव से शुरू होगा क्योंकि इसका पहले जो है फाइव इंटू फोर ये ऑलरेडी ट्वेंटी है, फाइव इंटू थ्री ये थ्री का पहाड़ा में जब हम लोग पढ़ रहे थे फिफ्टीन वो काट गया, फाइव इंटू टू वो जब टू का पहाड़ा, तो फाइव इंटू फाइव से शुरू होगा। तो फाइव इंटू फाइव क्या है, ट्वेंटी फाइव, तो हमारा ट्वेंटी फाइव भी काट गया, ठीक है।
5 into 6 30 है, 30 ऑलरेडी दो से डिवाइड होता है, 30 ऑलरेडी काट चुका हूँ। 5 into 7 ठीक है, 5 into 7 35, ये एक नया नंबर निकल गया, 35 काट गया। 5 into 8 40 तो दो से ही ऑलरेडी डिवाइड होता है, तो दो का पहाड़ा हम जब पढ़ रहे थे 40, देखो 40 यहाँ पे है, 40 ऑलरेडी पहले ही काट चुका था। तो 5 into 9 45 तो हम जब 3 का पहाड़ा पढ़ रहे थे, 3 into 15 में 45 आया था, ठीक है, 45 ऑलरेडी काट चुका है। 5 into 10 50 तो दो से डिवाइड होता है, पहले ही हम 50 को काट चुका हूँ। 5 into 11 55 और एक नया नंबर है जो हम लोग को मिला है, वो काटना पड़ेगा। 5 into 11 काट गया, ठीक है। 5 into 12 60 हम ऑलरेडी दो का जब पहाड़ा पड़ रहे थे उसमें ही काट चुका है। 5 into 3 13 65 तो गेम का बाहर है, हम लोग तो 64 तक कितना प्राइम है वो निकालना चाहते थे। तो हमारा अभी गेम में जो है जो नंबर्स बचा है, नेक्स्ट हमारा जो नंबर है जो नहीं काटा है वो है 7। 6 को हम क्यों नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि 6 ऑलरेडी काटा है, तो 6 प्राइम नंबर नहीं है, दो से डिवाइड गया था। 6 से जो नंबर डिवाइड होता है वो नंबर दो से भी डिवाइड होता है। 6 से 64 के अंदर जितना नंबर डिवाइड होगा, जो समझो 6 का पहाड़ा हम अगर पढ़ना शुरू करें, 6 into 1 6 into 2 12 6 into 3 18 वो नंबर्स ऑलरेडी दो से डिवाइड हो चुका होता है, क्योंकि 6 equal to 2 into 3 6 के साथ जो भी नंबर गुना करोगे ये 2 into 3 पहले रहेगा। तो 6 से जो नंबर डिवाइड होता है वो दो से भी डिवाइड होता है, वो तीन से भी डिवाइड होता है, और दो और तीन से जो नंबर डिवाइड होता है उसको तो हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हूँ, तो 6 पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट अनमार्क्ड नंबर जो इसका हम नहीं काटा हूँ वो है 7, ठीक है। अभी देखो 7 में, 7 का पहाड़ा जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, 7 into 1 तो ठीक है, 7 एक प्राइम नंबर है हमारा, और एक प्राइम नंबर निकल गया। 7 5 से भी डिवाइड नहीं जाता है, 3 से भी डिवाइड नहीं जाता है, 2 से भी डिवाइड नहीं जाता है, ठीक है। तो फाइन, तो 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 का जब पहाड़ा हम बोलना शुरू करेंगे, क्रॉस करना शुरू करेंगे कि 7 के साथ क्या क्रॉस करेंगे, 7 into 2 समझो, जब 7 into 2 कर रहा हूँ तो 2 से 7 into 2 करके मुझको क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। 7 into 2 equal to है 2 into 7, तो ये देखो 7 into 2 से जब हम 14 क्रॉस करने जाएंगे, उसका पहले ही हम लोग जब 2 का पहाड़ा पढ़ रहे थे 2 into 7 में 14 क्रॉस हो चुका था। तो 7 का पहाड़ा हम 7 into 2 से क्रॉस ढूंढने से कोई फ़ायदा नहीं है, 7 into 3 से भी ढूंढने कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 3 से हम वो पहले ही काट गया। तो 7 into 4 से भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 4 से जो डिवाइड होता है, तो 7 एक नया नंबर देगा 7 into 7 से। 7 into 6 ठीक है 42, वो भी 2 से, क्योंकि 7 into 2, तो किसी भी नंबर का जब अभी हम लोग जाएंगे उसी नंबर से गुना करेंगे, तो 7 into 7 49, तो 49 काट गया, ठीक है, ये काटा नहीं था। 7 into 7 7 into 8 56 तो ऑलरेडी दो से डिवाइड हो चुका था, ऑलरेडी काटा हुआ था। 7 into 9 63 तो 3 से डिवाइड हो गया था, ऑलरेडी काटा है। 7 into 10 70 ग्रेटर देन 64, हम लोग प्राइम नंबर ढूंढ रहे 64 के अंदर, ठीक है, तो 670 तक जाना नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर है 8 तो ऑलरेडी क्रॉस्ड है, और 8 से जो नंबर डिवाइड होता है, हैं समझो 8 तो 2 into 4 है, 8 से जो नंबर काटेगा वो तो 2 से ही काट गया है, ऑलरेडी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, तो 8 को भी चेक करना नहीं है। अभी एक चीज़ देखो, हम यहाँ पे ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 8 के ऊपर हम जब जाएंगे, समझो 8 से जब क्रॉस चेक, अगर हम 8 से चेक करता था तो 8 into 1 8 into 2 का पहाड़ा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ,
आठ इंटू तीन, ये सब पढ़ना नहीं पड़ रहा है। आठ इंटू चार, ठीक है, चार का पहाड़ा में 32 काट गया। आठ इंटू पाँच, पाँच का पहाड़ा में 40 काट गया। तो आठ से जब डिवाइड करेंगे तो हम आठ इंटू आठ से शुरू करेंगे, आठ इंटू आठ 64। लेकिन समझो मैं अगर 11 से शुरू करना चाहता हूँ तो देखो 11 इंटू टू जब करेंगे तो दो, 11 के साथ दो गुना करने से जो नंबर आता है 22 आता है। 11 इंटू टू इक्वल टू 2 इंटू 11, तो इसलिए वो नंबर ऑलरेडी हम लोग क्रॉस कर चुका हो। तो 11 से जो नंबर छोटा है ऑलरेडी उसके साथ जब समझो जब किसी भी क्रॉस करेंगे 11 इंटू टू, 11 इंटू थ्री, 11 इंटू फोर, ये सब ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है क्योंकि 11 इंटू टू इक्वल टू 2 इंटू 11, 11 इंटू थ्री इक्वल टू 3 इंटू 11, ये नया नंबर नहीं देगा क्योंकि ये ऑलरेडी क्रॉस्ड है। नया नंबर तभी देगा 11 इंटू 11, ठीक है। इसलिए ये हमारा 11 और 13 ये सब चेक नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे जो जो नंबर है अभी अनमार्क्ड है जिसको हम लोग क्रॉस नहीं किया हूँ वो सब नंबर हमारा प्राइम है। तो कौन कौन नंबर अनमार्क्ड है अभी तो देखता हूँ। तो अनमार्क्ड नंबर्स और प्राइम नंबर्स जिसमें हम लोग क्रॉस नहीं किया हूँ, तो प्राइम नंबर्स इसमें से क्या निकल रहा है देखो, दो दो क्रॉस नहीं हुआ था, दो एक प्राइम नंबर है, तीन, पाँच, सात, ग्यारह क्रॉस नहीं है, ग्यारह, तेरह, तेरह क्रॉस नहीं है, सेवेंटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री के बाद ट्वेंटी नाइन, थर्टी वन, थर्टी वन, थर्टी वन के बाद देखो थर्टी सेवन, थर्टी सेवन, थर्टी सेवन के बाद फोर्टी वन, फोर्टी वन के बाद फोर्टी थ्री, फोर्टी थ्री के बाद फोर्टी सेवन, फोर्टी सेवन के बाद फिफ्टी थ्री, फिफ्टी थ्री के बाद फिफ्टी नाइन, फिफ्टी नाइन के बाद सिक्सटी वन। तो दो बस ये है, ये सब प्राइम नंबर है 64 के अंदर। अगर हम लोग समझो 100 तक जाएंगे तो हम लोग को 10 तक तो हम लोग को बड़ा बनाना पड़ेगा ये सीव, तो ऐसे समझो 9-10 को जुड़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि किसी भी नंबर जब किसी भी नंबर से हम लोग जब चेक कर रहे हैं तो उसी नंबर का हम लोग ये है इराटोस्थेनिस टेक्निक, तो उसी नंबर तक हम लोग का ऐसा चेक करना है, ठीक है। थैंक यू।